फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके, गुड। चलो अब हम यहाँ से नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पे शुरू होता है कि टुडेज एक्सीडेंट ऑफ फाइव स्टैंडर्ड ऑफ अवर स्कूल वेयर सो ए अ फील्ड। और जो आज रोज हमारे स्कूल में स्टैंडर्ड फाइव को हमें क्या क्या बताया यहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री। ओके, यानी यहाँ पे आप यहाँ पे फिल्म बताया है उसे सो। ओके, दिस फिल्म गिव माय इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रीजनिंग व्हाट टू डू एट द टाइम ऑफ ट्रबल्स ऑफ डिजास्टर। अब यहाँ पे बताया कि जैसे कि उस फिल्म में क्या बताया है कि जैसे कि डिजास्टर और डिजास्टर या एक्सीडेंट के होता है उसके बारे में बताया कि आप उस जो होता है तो उसके बारे में आप कैसे आप उसे सावचेती रखोगे। ओके, जो उसे आप उसे बहुत इम्पोर्टेंट उसे बताइए, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे बताइए जो उसे ध्यान में देना है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जैसे कि द मैन अक्रॉस इन दिस फिल्म वेयर चिल्ड आर्टिस्ट हार्ड एंड नीरू। ओके, हर्ष एंड नीरू अलोंग विथ देर बा नाथीबा। ओके, द सिटी इंट्रोड्यूस वेरियस कॉन्टिनेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे बताया है कि ये जो फिल्म है उसमें बहुत एक्रोडिस्ट यानी वो बहुत कलाकार है जो नीरू एंड हर्ष। ओके, और उसमें उसके साथ कौन है, बानाथीबा, जो इन इन फिल्म के क्या है डायरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब हम नेक्स्ट देखें जो ये सीडी है उस सीडी में बताया है कि जो अलग अलग एक्सीडेंट के बारे में बताया है। ओके, जैसे कि कॉन्टिन्यूस वेरियस जो अलग अलग प्रकार के निदर्शन कराया है बताया है। अब हम आगे देखते हैं फ्लड। ओके, पूर के बारे में, हर्ष एंड नीरू वेयर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लूड इन द रिवर। यहाँ पे बताया है कि हर्ष एंड नीरू, जो मैंने आपको बताया था कि सूरत में तापी रिवर है जो उसके बारे में वो माहिती बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे बिकॉज ऑफ द फ्लूड देयर वॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस इन दिस रीजन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बताया है, ये जो पानी रिवर जो अब ओवरफ्लो हो गया था, जो पानी बाहर आया है, तो उस गांव में क्या क्या आपत्ति आई। ओके स्टूडेंट्स, उसके बारे में उसे बताया, जैसे कि रिक्यूज ऑपरेशन वेयर टेक अप बाय द गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन वेयर इंस्ट्रगलिंग अगेन एंड अगेन। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया है कि अलग अलग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज किया है जो इन विस्तार इनके बारे में हमें में मदद करनी है, उसके बारे में हाथ उसने कर्न किए है। ओके, तो वो गवर्नमेंट उसे बार बार उसे बचाव की उसे इंट्रोडक्शन दे रही थी बार बार उसे अगेन टू अगेन। अब नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ बैटरी एंड इंसिडेंट थिंग्स फॉर डेली लाइफ एंड रीच टू द हायर एरिया। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया कि हाँ, जो बैटरी यानी टेक बैटरी यानी हैंड बैटरी यानी हाथ बत्ती। ओके, बैटरी जो है बैटरी एंड जीवन अने जीवन जरूरियात की जो भी चीज़ हो, खाना या पीना यानी उसे ठंड में जो ओढ़ने के लिए चाहिए वो सब उसे देने के लिए वस्तु। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइक्लोन। अब यहाँ पे क्या बताया है, ओके, साइक्लोन यानी क्या बताया है, वावाजोड़ू। ओके स्टूडेंट्स, द वाइंड वॉज ब्लोइंग यानी पवन। ओके, बहुत पवन फूका तो। ओके, डज वॉज फ्लाइंग ऑल अराउंड यानी आसपास की जो भी जो रेती रेत होती लैंड वो उड़ रही है। ओके, फ्लाइंग द रूफ ऑफ पीपल्स
हाउस वेयर ऑल्सो फ्लाइंग अवे। अब यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो सबके घर में जो छापरे होते हैं वो उड़ जाते हैं। ओके, वो उड़ रहे हैं। डियर पेपर प्लास्टिक वेयर ऑल्सो इन द एयर। ओके, एयर जो विमान की तरह, वो जैसे कि प्लास्टिक का पेपर डियर वो सब चीज उड़ रही है। ओके स्टूडेंट्स, रिपीटेडली इंट्रोडक्शन वेयर गिवन थ्रू द माइक्रोफोन। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सब चीज हो रही थी उसके बारे में सभी को जानकारी देने के लिए वो किसमें दे रहे थे बताओ, माइक्रोफोन से। ओके, जो माइक में सब चीज जो बोल रहे हैं वो सभी को सुनाई देती है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डू नॉट स्टैंड नियर अ ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, हाउस विथ इन रूफ ऑफ सच डेंजरस प्लेस। अब हमें किन चीज के, किन प्लेस के पास हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, जैसे कि ट्री के पास नहीं खड़ा, इलेक्ट्रिक पोल, हाउस विथ इन टिन रूफ ऑफ सच डेंजरस प्लेस। ओके, इन इन जो चीजें सॉरी प्लेस हो उसके बाद उसके पास हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए जो डिजास्टर या एक्सीडेंट होता है तब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एवरीवन सोल स्टैंड टुगेदर इन एन ओपन ग्राउंड इन द वेनिनिटी। अब यहाँ पे क्या बताया कि उसके पास जो आसपास जो खुला मैदान यानी खुला में ओपन जो ग्राउंड होता है वहां पे हमें जाने हम वहां जाकर हमें खड़ा रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, टू स्लीप। अब यहाँ क्या है, लपसी पड़वू, टू स्लीप। ओके, अ मॉनसून डे वॉज शो, चौमासा जो मॉनसून है उसके, अब मॉनसून आया है। ओके, अब आने ही वाला है। चिल्ड्रंस वेयर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल से वापस जाते हो तब, दे वेर रनिंग बट जस्ट देन रुचन स्लीप्स वे बिकॉज इन हैंड रेनिंग। जब आप स्कूल से घर वापस जाते हो तब आपको, तब जब आप रनिंग करके जाते हो ना, येस और नो, येस। ओके, नेक्स्ट, जो आप तब उस जब आप रनिंग करते हो तब गिर जाते हो। ओके, कोई गिरता है, कोई नहीं गिरता है। द चिल्ड्रन स्टॉप, अब तब आपको दौड़ना दौड़ना नहीं चाहिए और आपको थम जाओ जो। ओके, ये हम जो रुचन जो रनिंग कर जाता है तब वो घिर जाता है। ओके, तो क्या करना है, वो रने रोने रो पड़ता है। ओके, यानी क्राइंग, रुचन वॉज क्राइंग, ही हैड हार्ट इज इब्लो। ओके, नेक्स्ट, जस्ट देन इज ब्रदर पंचम कम, तब वहां पे कौन आता है बताओ, पंचम। ओके, उसका भाई, ही हेल्प रुचन टू स्लोली गेट अप एंड टाइट विथ सॉरी हीज हेड टू द नेक इन अ स्लिंग सो दैट इट वुडन वुड नॉट मूव, देन ही अरेंजेड फ्रॉम हिम टू रीच द हॉस्पिटल। उसे अपने कंधे के ऊपर उसका हाथ रख के, गर्दन रख के वो जाता है, उसे पकड़ के फिट और उसे क्या कहाँ पे ले जाता है, हॉस्पिटल में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, आपको यहाँ पे तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, वो क्या नहीं, जो फ्लूड साइक्लोन एंड टू स्लिप के बारे में मैंने बताया, तो अब हम आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, राइट, जो यहाँ पे बताना है एक्सीडेंट एंड व्हाट कैन बी डन फॉर रेस्क्यू। ओके, बताओ जो जो भी दुर्घटना यानी एक्सीडेंट हो वो बताना है नेम, और आगे व्हाट कैन बी डन फॉर रेस्क्यू है जो उसके वहां पे आपको लिखना है कि क्या हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और क्या प्रॉब्लम हुई है और उसे क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पे, जैसे कि आप किसी का अभी अभी फेस्टिवल का एक फेस्टिवल गया तो किसी के हार हाथ में या डोर डोर डोरा थी हमने कटिंग थी कि वो तुम्हारो हाथ तो तमे ना ऊपर तमे हल्दी लगा भी सको एवी रीतना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोट, यहाँ पे आपको कलेक्ट करनी है एंड क्या है क्रम,
सीरीज नंबर नेक्स्ट नेम ऑफ द डिजास्टर एंड एक्सीडेंट फ्लूड नेक्स्ट प्लेस योर एंड हु वेयर अफ्रेड। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया ना कि सूरज जो तापी है वो वहाँ पे पूर यानी फ्लूड आया था। ओके तो कौन से प्लेस में है सूरत, कौन से ईयर में 2006। ओके और यहाँ पे क्या है हु वेयर अफेक्टेड। ओके तो वो किस प्लेस की डिस्ट्रिक्ट में था और किसे प्रॉब्लम हुई तो पीपल ऑफ सूरत। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो अर्थक्वेक कहाँ पे था कच्छ, कौन से ईयर में 2001। ओके और किसे इसे प्रॉब्लम हुई इफेक्टेड जो कच्छ वालों को। ओके द पीपल ऑफ कच्छ। ओके स्टूडेंट्स वैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू। यहाँ पे चैप्टर पूरा हो रहा है लेकिन आपको एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू।